नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से काठमांडू में लगाया जाएगा लंगर। गेहूं की खरीद और लिफ्टिंग ना होने पर पंजाब सरकार केंद्र सरकार से नहीं संतुष्ट, कहा बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने। नेपाल त्रासदी से बचकर वापस लौटा अमृतसर का एक परिवार। अब खबरें विस्तार से। नेपाल में आए कुदरती आफत का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए आगे आई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज वहां लंगर लगाने के लिए और जरूरी सामान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब से भेजा गया। ये सामान कल चंडीगढ़ से एक विशेष हवाई जहाज के जरिए रवाना होगा। कमेटी सकत्तर रूप सिंह के मुताबिक श्रोमणी कमेटी हमेशा इस तरह की कुदरती तबाहियों के दौरान लोकाई की मदद के लिए हाजिर रही है। इस बार भी कमेटी ने पहल करते हुए वहां पहले अपनी एक कमेटी भेजी थी, जिसके निर्देशों के अनुसार वहां सामान भेजा जा रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान जथेदार अवतार सिंह वालों हुए निर्देशों अनुसार पहला साड़ी एक टीम जथेदार रजिंदर सिंह मेहता की अगुवाई नेपाल पहुँच चुकी है। उन्हां दी मंग अनुसार जिहड़ा लंगर की सेवा वा वो नेपाल दे विच काठमांडू च असीं ताज़ा लंगर पका के संगतां नूं छकाउण दे लई जिहड़े हड़ भचाल पीड़ित ने उन्हां दा प्रबंध कर रहे हैं। उस दे लई एक विशेष टीम जिहड़ी आ सचखंड श्री हरिमंदर साहब तों अज तोरी जा रही है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब क्योंकि मानवता दा केंद्र आ ते हर सिख जिहड़ा वा सवेरे शाम सरबत दे भले दी अरदास करदा वा। जिथे जिथे भी कोई कुदरती त्रासदी वापरदी आ उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने साधना चों सेवा करके मानवता दे भले दे विच कार्ज करदी आ, लोक कल्याणकारी कार्ज करदी आ। इस बार भी जिहड़ी उत्थे मानवता दा घाण होया भचाल दौरान उहदी सहायता दे लई सब तों पहलां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम ही उत्थे पहुंची आ। कल नूं वी सरदार दलमेख सिंह की अगवाई च सकत्तर श्रोमणी कमेटी की अगवाई च साडी जिहड़ी आ सचखंड श्री हरिमंदर साहब तों लांगरी ते जिहड़े लंगर पकाउण वाले ते वरताउण वाले सरदार भुपिंदर पाल सिंह जी मीत सकत्तर जिहड़े के प्रबंध नूं देखणगे ये जा रहे ने। चंडीगढ़ तों सवेरे विशेष फ्लाइट राहीं ये नेपाल लई रवाना हो रहे ने। इत्थों विशेष करके कुछ समान भी भेजा जा रहा जिहदे विच कंबल ते बच्चों का दुध खास करके जिहड़ियां उत्थे चीज़ां दी अवेलेबिलिटी नहीं होनी वह चीज़ां असीं इत्थों भेज रहे हैं। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अमृतसर से सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की फसल की लिफ्टिंग ना होने और फसल के मंडियों में बर्बाद होने के लिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार को आरोपी ठहराया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी बात को लेकर मतभेद है, जिस कारण केंद्र सरकार किसानों की फसल को मंडियों से नहीं उठा रही है। कहा कि उनकी आपसी लड़ाई में पंजाब का किसान पिस रहा है। इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार वेरका, ओम प्रकाश सोनी, जुगल किशोर शर्मा आदि उपस्थित थे। कल मैं मंडियों के बीच गया सी। मेरा ख्याल जैसे खन्ना है, इट इज़ द बिगेस्ट मंडी इन एशिया, और कोई इतने एक खूंजा भी नहीं रहा सी जिते कणक की सीटी हुई सी। कल रात पटियाला, राजपुरा, मलेरकोटला सारिया मंडियां पानी नाल भर गई, और इन्हां दी डिस्प्यूट करके पता नहीं किन्ने सैकड़े हज़ार उत्थे किसानां दी फसल उत्थे तबाह हो गई और उन्हां नूं कोई पेमेंट नहीं मिली। जिम्मेवार होणगे दोनों। सो दिस इज़ अ सैड थिंग दैट्स हैपन। इस गल नूं सामने रखते हुए साडे वाइस प्रेजिडेंट पार्टी दे राहुल जी अज आए ने पंजाब च, चार बजे इन्होंने मैं SMS उन्होंने कल किया सी खन्ना मंडी तो कि हालात बड़े इतने माड़े ने। यू कैन शो मी द मैसेज। आई सैड दैट देर इज़ अ अमृतसर की फसल सब तो बाद आँदी है साढ़े अमृतसर की मंडिया हाले वी जा रही है कि आई कुड अरेंज फॉर हिम टू कम हेयर बट ही हैज़ चोजन क्वाइट राइटली आई थिंक क्योंकि मैं भी कल पहला खन्ना मंडी गया। वो सब तो वड्डी मंडी है एशिया की एंड आई थिंक द पार्टी हैज़ चोजन फॉर हिम टू विजिट देयर विच इज़ अ गुड थिंग। इन आर टाइम्स वी डिडंट हैव एनी टाइम बिकॉज यू हैड अ सेंट्रल एजेंसी FCI एंड द मनी यूज़ टू बी सेंट टू अस टू द पंजाब गवर्नमेंट एंड वी यूज़ टू इमीजिएटली FCI या इन्हों की एफिलिएटेड एजेंसी पंजाब एग्रो सी, पंजाब पंसअप सी, जड़िया भी सियाँ
और खरीद उन्होंने वास्ते करते से। नाउ दिस टाइम देयर इज सम हेजिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द FCI, दे आर ओनली प्रोक्योरिंग वेरी लिटल। बाकी पैसा की कोई शॉर्टेज नहीं, दी कैश क्रेडिट लिमिट हैज़ बीन सेंक्शन टू पंजाब गवर्नमेंट। डिस्प्यूट इज ऑन 10 point something रुपीज जे सेंटर लाना चाहती और पंजाब गवर्नमेंट इससे एग्री नहीं करती। ना इन्हों के झगड़े च इस डिस्प्यूट नुकसान हो जाएगा साडा। अगले 3 दिन प्रडिक्शनस ने कि बारिशा होनिया ने पंजाब, मेरा ख्याल फिर कि मंडी रह जू जिते नहीं उत्थे आएगी। असी साइलेंट है, असी हुणी दा सब तो वड्डी रैली उत्थे दिल्ली दी असी ला के आए, पार्लीमेंट च एवरीडे ये गल उठती है, वेयर इज़ दैट साइलेंस फ्रॉम अस। असी तो टोटल कह रहे हैं कि जो बिल असी कीता सी पेश, इट शुड बी इन दैट फॉर्म विच इज टोटली 100% प्रोटेक्टिव ऑफ द फार्मर्स। ये डायल्यूशन कर रहे हैं टू हैल्प द कोऑपरेट वर्ल्ड, ये असी उहदे नाल नहीं एग्री कर रहे। असी फार्मर्स दी जिहड़े इंटरेस्ट है दैट मस्ट बी वॉच। आई एम फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई होप दैट दिस बादल विल वेक अप, एंड वेदर डेली अग्रीज और नॉट दैट इज बिटवीन हिम एंड डेली टू बी रिजॉल्व लेटर ऑन। लेकिन इस वेले वो वेकअप करके प्रोक्योरमेंट शुरू करे ताकि किसानों का दी फसल ना खराब होए, दैट इज प्रायोरिटी 1। फिर इस तो बाद प्रायोरिटी 2 असी देखांगे, वी विल क्वेश्चन द गवर्नमेंट इन पार्लीमेंट एंड दे विल क्वेश्चन हिम इन असेंबली कि क्यों तुसीं डिले कीता, नुकसान उहदा होगा एंड वाई, इन्ने दिनों तो मंडी भरिया पईआं ने एंड दे आर नॉट पिकिंग अप। सो ही कोई इत्थे डिस्ट्रक्शन हो एक फसल की और किसी फार्मर की जिहड़ी उहदी जिंस है उहदी ना उहदे घर पैसे पहुँचन, then we will hold Badal and Mr. Modi totally responsible for this। किसानों ने गेहूं की खरीद शुरू ना होने को लेकर सोमवार को गांव देवीदासपुरा में रेलवे लाइन पर धरना दिया। एक तरफ किसान रेलवे ट्रैक पर थे तो दूसरी तरफ हजारों मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर। जिला प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण किसान ट्रैक पर पहुंच गए। रेलवे की लापरवाही से मुसाफिरों को कोई उचित जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। उन्होंने कल शाम स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। किसानों के धरनों के कारण मुसाफिरों को इसका हर जाना भुगतना पड़ रहा है। किसानों के धरने की वजह से पाकिस्तान जाने वाली समझौता एक्सप्रेस गाड़ी को रद्द कर दिया गया है। तो अमृतसर आए हैं, इस कदर फंस गए हैं कि ना खाने को है, ना पीने को है, ना पानी है, ना कोई कुछ भी नहीं। बिजली वैसे जा रही है बार बार, रेलवे वाले बोल रहे हैं आप लोग बैठे वेट करो, अब आ गया कैंसिल हो गया। ये तो महा बेवकूफी है। छोटे बच्चों को है, डॉक्टरी है, जाना है जरूरी, किसी की शादी है, किसी का कुछ भी है, कल की लगाए हैं तो। मगर एक पब्लिक यहाँ जो यात्री खाने के लिए रो रहा है, पैसे तो वापस ही नहीं हो रहे, और जो हमारी बर्थ थी आज की वो अब कैंसिल हो गई, तो कल कहाँ मिलेगी बर्थ हमको, हम कैसे जाएंगे। नहीं सर, मैं आया झारखंड से, मेरे पास वापस जाना है। वो कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए, अभी इसका टाटा मुरी का कोई पता नहीं है, कैंसिल नहीं हो, बोलते कि यहाँ किसान की रैली हो रही किसानों की, इसी वजह से रुके हुए हैं। पब्लिक के ऊपर में इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारा अपना जनता का अधिकार है। गुरदासपुर में शिवसेना की तरफ से एक रोष रैली निकाली गई, जिसमें जिला पठानकोट के वाइस प्रधान के अलावा दीनानगर और गुरदासपुर के गांव भैयार से लेकर कानूवान चौक गुरदासपुर में संपन्न की गई। इस रैली में शिवसेना की तरफ से पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए मांग की है कि राजोवाणा को फांसी, हरविंदर सोनी को गोलियां मारने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और अगर ये मांगे पंजाब सरकार ने ना मानी तो इस संबंध में पंजाब लेवल और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर दिल्ली मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद लाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। सिलसिला पंजाब वालों जो अतवाद पीड़ित मुआवजे की मांग लेकर अंदोलन अलग अलग शहरों में शुरू किया गया है, और एक अपनी होर एक मांग जोड़ी है, जिसे जिन्हें भी पंजाब सुप्रीम कोर्ट वालों वालों ऑर्डर किए हुए भी अतवादियों को फांसी दी जाए, उन्होंने भी मांग अभी नाल चक रहे हैं। जिवें पंजाब दे विच बलवंत सिंह राजोवाणा जिन्हें मासूम लोगों की हत्या की है, जगतार सिंह हवारा हैगा, तारा हैगा, दविंदरपाल सिंह भुल्लर है, जिन्हों माननीय सुप्रीम कोर्ट वालों भी आर्डर हो चुके, उन्होंने अपीलां भी खारे हो चुकी हैं। असं मंग कर रहे हैं पंजाब सरकार को इन्हों तुरंत तो तुरंत फटाफट फांसी दी जाए, ता कि अतवादियों को जी एक शह मिलती है भी हिंदुस्तान जो मर्जी कर दो, पर इतने फांसी देने का रवाज ही नहीं है। असं गल कहना चाहते हैं, इन्हों अगर नत्त पाना चाहते हो तो बिल्कुल इन्हों को फांसी दी जाए। पीसफुल जो धरना जरा पीसफुल है उसको शुरू है, इतने का खत्म हो गया जी, अंदर च बह गया, खत्म हो गया, पीसफुल खत्म हो गया। बेमौसमी बारिश के कारण खराब हुई फसल के मुआवजे और नमी वाली फसल की खरीद ना होने के कारण
परेशान किसान दो दिनों से रेलवे ट्रैक पर हड़ताल करके बैठे हुए हैं। किसानों की ओर से रेल का चक्का जाम किए जाने के कारण अमृतसर दिल्ली और राजस्थान रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इस बीच पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि किसानों की इस परेशानी का हल जल्द निकालना चाहिए, साथ ही कहा कि पंजाब के किसानों की परेशानी को दूर करने में केंद्र सरकार की ओर से की जा रही देरी से पंजाब सरकार भी असंतुष्ट है और आशा करती है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे की ओर ध्यान देते हुए इसे जल्द ही हल करेंगे। देखो इस तरह है, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने कल बड़े स्पष्ट लफ्जों च यह गल की है कि पंजाब के किसान ने हमेशा ही हिंदुस्तान की अनाज के भंडार च बड़े वड्डे योगदान पाए है। जे ऐदकी कुदरती मार करके बारिशां करके कोई फसल की क्वालिटी च या उहदे लश्चर च कोई फर्क आया है, सेंटर नू उस गल नू ध्यान च रखदिया इस गल च रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अज पंजाब गवर्नमेंट ने ते जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई सी इहदे च बहुत सीरियस ते डूंघाई नाल विचार कीते ते बादल साहब कल परसों फिर प्रधानमंत्री जी दे फोरम ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब दे फोरम ते आप दे जिहड़ी गल नू है दोहरा के भी आए है कि ये फैसला ना करन नाल तुसी पंजाब नू एलीनेट कर रहे हो, पंजाब दे किसानां च एलीनेशन वाला माहौल पैदा कर रहे हो। मगर नाल ही सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने कहा है कि असी सारी फसल की खरीद करांगे, ये पंजाब गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करू, क्योंकि पिछले दो दिनों च वी वर वेरी होपफुल, सानू रोज़ उतों वार्तालाप चल रही थी देर विल बी रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स। मगर जब कल बाल साहब ने महसूस किया कि वो डिले हो रहा है, बाल साहब ने स्पष्ट करता अज तो सारी परचेस और लिफ्टिंग का काम शुरू हो जाऊगा एंड पंजाब गवर्नमेंट इज रिस्पोंसिबल इन लिफ्टिंग ऑलसो, सारा माल करूगी तो पेमेंट की भी जिम्मेवारी असी चुक ली। देखो इस मुद्दे से तो मैं कोई दो राव नहीं कि किसान के मुद्दों पर पंजाब दे अंदर श्रोमणी अकाली दल दे अंदर सेंटर का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स किसान इस प्रोक्योरमेंट के उत्ते काफ़ी असी आप दे आप नूं महसूस करते हैं कि अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पोंस है। तो असी चाहवांगे कि नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आप भी वो किसानां दियां वो मुश्किलां नूं समझते भी है, उन्हां दियां वोटां लैके आ, जल्द तो जल्द इस मुद्दे ते इंटरवीन करके इनू सॉल्व करनगे, पंजाब दे किसानां दे मसले नूं सॉल्व। नाले ये गल सोच लैनी कि बादल साहब नहीं गए, ये उन्हां नूं किने कहता, पंजाब दी कैबिनेट ने इस मुद्दे नूं उठाया, बादल साहब एक बार ही नहीं तीन बार ही अज फिर अज या कल फिर चले आ। कैप्टन साहब नूं बहुत कुछ कहण दी आदत है, मगर उन्होंने सुपने कई बार चुकना चूर हो, इसलिए बेनिश्चित। देखो मैं सत्कारयोग बीबी चावला जी का, लक्ष्मीकांत चावला जी का इस गल का बड़ा धनवादी हाँ। शी इज़ अ आयरन लेडी ऑफ पंजाब, जिन्हें हक सच की लड़ाई वास्ते, फीमेल फीटसाइड वास्ते, भ्रूण हत्या वास्ते, डाउरी वास्ते, बच्चियों के सत्कार वास्ते, विमेन एम्पावरमेंट वास्ते बड़े वधिया ते सख्त कदम चुके है, जिहदे नाल साडियां मावां भैणां दा सत्कार बहाल होया है। मैं आस करूँगा, उम्मीद करूँगा कि इहनूं वड्डे पद्धर ते एक्सपैंड करके वध तों वध सेवा करन ते सानूं सारिआं नूं इहदे नालों प्रेरणा बड़ी वधिया मिले। हाँ जी हाँ जी, मैं ट्रिब्यून अखबार दे एडिटर साहब ते बड़े दुखी हिरदे नाल मैं गल करदा कि मैं ये महसूस किया कि उन्हां दी पार्टीजन खबरां, वन साइडेड खबरां, झूठियां खबरां, फॉल्स खबरां मेरे नोटिस भेजन तो बाद भी जिहड़ियां बार बार लाइया जा रही सी, मैनू मजबूरी बस मैं उन्होंने उन्होंने मैनू ये मानहानि देना पिया जिहड़ा उन्होंने रिपोर्टर ते राज चिन्नप्पा साहब के खिलाफ किया। देखो जी हमारे दो केंद्र है, शक्ति महिला सहायता केंद्र और रानी झांसी, ये दोनों ही दो दो केंद्र लड़कियों को सिलाई कढ़ाई कटाई में ट्रेंड करने के लिए चलाती हैं। तो हमारी लगभग 150 लड़की शिक्षा प्राप्त करके कामयाब होकर के जा रही है और उतनी नई बच्चियां आ गई हैं, तो उनको प्रमाण पत्र देने के लिए और जिसको एक कहते हैं ना विदाई कार्यक्रम करके बच्चों का, हमने आज उनको अगली ज़िंदगी के लिए तैयार किया और विक्रम मजीठिया जी से हमने आग्रह किया था
कि आप आकर बच्चों को सर्टिफिकेट दें, और बच्चों से उन्होंने ये कहा भी है कि कोई भी किसी तरह की कठिनाई हो, कोई काम हो, मतलब एक लड़की ने जाके उनको बताया भी है, तो वो करेंगे। मुझे खुशी है कि आज विक्रम आए और उन्होंने बच्चियों का उत्साह बढ़ाया और साथ में भविष्य के लिए भी एक आश्वासन दिया कि उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। जलंधर के एक निजी स्कूल में महिला डायरेक्टर से की गई मारपीट मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री डॉ. दलजीत चीमा ने पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने की हिदायतें दी हैं। शिक्षा मंत्री ने स्थानीय विधायक प्रगट सिंह के साथ आज स्कूल के प्रबंधकों के साथ मीटिंग की और सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना की पूरी जानकारी ली। बाद में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले को दुखद बताते हुए कहा कि स्कूल के डायरेक्टर के साथ मारपीट करने वाली महिला वकील को संयम से काम लेना चाहिए था। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कहा कि वह इस मामले को पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के सामने भी रखेंगे। मेयरवुड स्कूल जलंधर दे विच इंसीडेंट होया, बहुत ही शेमफुल है, बहुत ही शॉकिंग, और इहदे नाल जिन्ने भी अच्छे लोग जिहड़े एजुकेशन नूं समर्पित है, जिहड़े क्वालिटी एजुकेशन वास्ते एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्हां दे मन नूं काफ़ी ठेस पहुंची है। अज इसे करके मैं उचेचे तौर पर स्कूल नूं विजिट करके मैनेजमेंट नाल भी और जिहड़े मैडम डायरेक्टर जिन्हां दे नाल सारी इंसीडेंट जिहड़ी वापरी है उन्होंने भी स्टाफ नूं भी इज मिलने वास्ते उन्हां तों हालात सारे पता करन वास्ते पहुंचे सीगा। और मैं समझदा कि यह घटना जिहड़ी है इहदी सख्त लफ्ज़ां दे विच निखेधी करनी चाहिए, और कल भी मैं कहा सी, अज फिर मैं सारे पेरेंट्स नूं बेनती करदा कि कई बार किसी का कोई जैनुअन इशू भी हो सकता स्कूल दे नाल, पर उहनूं तरीके दे नाल सानूं जिहड़ा उह डील करना चाहिए। इस तरीके दे नाल असीं उहनां लोकां नूं अगर डीमोरलाइज करांगे जिहड़ियां अच्छियां संस्थावां जिहड़ियां चला रहे आ, तो वह साडा अपना, साडी स्टेट दा, साडे बच्चियां दा नुकसान। ऑलरेडी सीआरपीसी दे विच इस तरह दी गल्लां नाल डील करन वास्ते तां बहुत प्रोविजनस है, लेकिन कोई होर भी किते जरूरत पएगी तो वी आर विद द स्कूल। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ, खराब लगा कि ये मैं बाहर से आई और मेरे साथ हो गया, लेकिन शायद ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो आगे हमें इस बात के लिए सोचने पर मजबूर करेगा कि कुछ डूज एंड डोंट्स हमें जिस तरह बच्चों और टीचर्स के लिए बनाए जाते हैं, शायद पेरेंट्स के लिए भी बनाने जरूरी हैं। मिस्टर चीमा की बातें बहुत अच्छी थी, उनके हिसाब से वो पूरी तरह हमारे साथ हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर डालेंगे कि जो भी बन पड़ता है वो करें। तो मिस्टर चीमा के यहाँ आने से हमारे स्टाफ को, जो मेरे टीचर्स हैं, उनको भी एक बहुत उनका ढाढ़स बंधा है, और हम सोचते हैं कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अपनी मांगों को लेकर और मंडियों से गेहूं की खरीद को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग को बंधित कर दिया। किसानों का कहना है कि केंद्र और पंजाब सरकार ने किसानों से झूठा वादा किया और अभी तक गेहूं की फसल की खरीदारी शुरू नहीं की गई है, जिस कारण किसानों की ओर से ये कदम उठाया गया है। उनके मुताबिक किसानों की फसल को खरीदने से खरीद एजेंसी एफसीआई ने साफ इनकार कर दिया है और शेष एजेंसी ने भी अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब तक फसल की खरीदारी शुरू नहीं की जाती तब तक वह ट्रैक से नहीं उठेंगे। परेशानी ये मुशावरा नु ते परेशानी आनी है, मुशावरी करन दे आ, पर किसान जेड़े ओ भी सच्चे अपने था जिन्ना खादा बीज मजैटियां हरा कुछ उन्होंने मुल का पाया, उन्होंने परेशानी आँदी है क्योंकि उन्होंने घर रिजक आया, उन्होंने मुश्किल आंदियाँ भी साडा हल हो सोना, अं भी सौखे हो बीज गाड़ी फिर उन्होंने झोने लाने, उन्होंने खर्चे बहुत है। मुसाफरों को थोड़ा जहा परेशानी ना दे, मुसाफरी करते उन्होंने रस्ता देना चाहिए, दई जाना गवर्नमेंट ना झगड़न, धरने लाने सवेरे लान तड़के लान, गड्डी कोई भी ना जाते ने बीच घर धुप्पे चिताला बोल रहा। मेरे नाल सीनियर मीत प्रधान जसबीर सिंह पिद्दी आ। अज अं दिल्ली अमृतसर जिहड़ा रोड है जाम करके बैठे हैं पंजाब के सांझे मंच नूं, इस करके परिवारों समेत आए हैं। साढ़े नाल कुछ हमदर्दी रखने वाले आढ़ती वीर भी बैठे हैं। असी अपनी
ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਰੀਦ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 60% ਅਜੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚਵਾੜੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਰਦਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ 35,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਓਵਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਸਬਾ ਵੇਰਕਾ ਕੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤ ਨਗਰ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕੇ ਲਈ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾ ਚੈੱਕ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓ ਕੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਆ ਇਸਮੇ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਆ ਜਿਸਮੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੇਰਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਡਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜੁਗਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਫੰਡਸ ਮੇ ਸੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਸ ਕੀ ਮੰਗ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ 1,00,000 ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ ਇਸ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਹੰਡਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਉਪਸਥਿਤ ਥੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰਕਾ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤ ਨਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਗਸ਼ੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਗਲਸ਼ੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੋ ਮੇ ਆਏ ਭੂਕੰਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖ ਕਰ ਦਹਿਲ ਉਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਮੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗਯਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਮੇ ਫਸ ਗਏ ਥੇ ਨੇਪਾਲ ਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲੌਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਉਨਕੀ ਕੀ ਗਈ ਮਦਦ ਕੇ ਲੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਮ 23 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਘੁੰਮਨੇ ਗਏ ਥੇ ਤੋ ਜਬ ਹਮ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਭੂਚਾਲ 11:45 ਵਜੇ ਕੇ ਭੂਚਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭੂਚਾਲ ਕੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਕੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੰਦਿਰ ਐਸੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਹਿਸ ਤਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਪਕਸ਼ੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਰ ਭਾਗਣੇ ਲੱਗੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ
हम मुसीबत वहाँ जाके पार्क में साथी पर वहाँ बैठ गए, वहाँ में चार साढ़े तीन चार घंटे वहाँ बैठे रहे। उसके बाद बिचार के झटके बांधे हुए हमने टैक्सी किराए पर ली थी, हम होटल में वापस आ गए। वापस आके होटल वाले को होटल बंद कर दिया, सभी आदमी को बाहर निकाल दिया, आप सारे अरे बाहर चले गए। सारे शहर में बिजली बंद हो गई, पानी बंद हो गया, कम्युनिकेशन सारी बंद हो गई, होटल सब खाली कर देते, सड़कें कहीं टूट गई, मकान वहाँ गिर गए। एक नौ मंजिला होटल था वो टोटल ज़मीन में धस गया, और भी मंदिर वहाँ काफ़ी गिरे। जैसे जैसे हमें टैक्सी गुजरे वो देख कर डर रहा था, हमें खुली जगह में बैठ गए। हमें एक सारी वहाँ मिले, वो हमें गुरुद्वारा वहाँ पर गुरु नानक सत्संग वो हमें गुरुद्वारा ले गए, उन्हें वहाँ जाकर हमें खाना खिलाया था। वो हमें कहना कि आप यहाँ गुरुद्वारे में रह दो, हम कहे फोन वगैरह हो नहीं रहता वहाँ पर रात है गुरुद्वारा। फिर अपने मध्यम छः बजे फिर वहाँ हवाई अड्डे पर आ गए थे, तो हम आठ घंटे लाइन में खड़े रहे। इसके बाद वो गवर्नमेंट फ्लाइट आई, एयरफोर्स की फ्लाइट थी दिल्ली, वहाँ से दिल्ली की, वो मैं सेफ पहुँचा दे दिल्ली। शारदा तीर्थ असी काठमांडू घूमन गए सी, असी 23 नूं इत्थों गए सी और 25 नूं सवेरे पहुँचे आ। 25 नूं होटल तो असी फ्री होके 9:30 बजे असी पशुनाथ मंदिर चले गए। मंदिर मत्था टेकिया वै, परिक्रमा कीती है, शिंगार वगैरह होया। असी उधर ना एक शमशान घाट सी नदी दे नाल, उहदे लाश जल्दी हुई देखी है, बस उस तो बाद एकदम साइड ते हटियां नाल ही भूचाल, बहुत ज़्यादा उत्थे नुकसान होया। असी 4 घंटे बाहर मंदिर के बाहर जमीन ते बैठ के बस पाठ करते रहे हैं, ते जिहदे नाल साडा परसों कल दे सवेरे 5:30 बजे दे एयरपोर्ट ते बैठे गए। सानू एयरपोर्ट एयर ने बहुत हेल्प की है, जरा सानू कल राती लेके आए हैं। दिल्ली भी आके साडा बहुत समान होया, पंजाब हाउस च सानू रखिया हुआ, पंजाब हाउस च खाना पीना खिला के सानू एयरपोर्ट ते लेके आए, दोबारा ड्रॉप किया स्टेशन ते। बहुत असी सरकार दा बहुत धन्यवाद करते हैं जरा सानू इत्थे पहुंचा दिता। काफी समय से पुत्र की तरह रखी फसल सियासत की भेंट चढ़ गई है। विधानसभा हल्का अजनाला के अधीन पड़ते गांव नंगल में एक गरीब किसान की फसल धक्केशाही से दूसरे गुट को सौंप दी गई है। इस मौके पर गरीब किसान अमर सिंह पुत्र किशन सिंह ने बताया कि उसकी 11 एकड़ की जमीन है जो उनकी जदी पुश्तैनी है। इस जमीन को लेकर गाँव के ही आदमी लखविंदर सिंह, समीरत सिंह और प्रगट सिंह के साथ काफी लंबे समय से केस अदालत में चल रहा था जो किसान के पक्ष में हुआ था, पर फिर भी दूसरे गुट ने हमारे साथ पुलिस प्रशासन तथा सन्यासी लीडर के साथ मिलकर हमारे साथ धक्केशाही की है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की है कि उनकी 11 एकड़ की फसल वापस की जाए और दोषियों पर बनती कार्रवाई की जाए। इहदा मसला यह है जी, अहीं नाला अमृतसर ते हाई कोर्ट दे केस जित चुके हां जी। हां जी, इह जिहड़ी हैगी आ, इह एमएलए अहीं नाला जो हैगा उहने पुलिस घल के लागे भागे भागे लागे ते बंदे नाल इकट्ठे करके इना कणक धक्के नाल साडी वड्डी है। जिहड़ा साडा थां वड्डिया होया 11 किले 19 मरले थां हैगा। हां जी, साडे कोल अहीं नाला दी डिग्री अमृतसर दी हाई कोर्ट दा स्टे है जी, सब कुछ हैगा। इना धक्के नाल आ के साडी इह कणक वाही है। इह साडा केस 8-10 सालां तों अहीं इह केस करा रहे हां ते अहीं जित चुके हां। तिन्ना अदालतां चों सानूं इंसाफ मिलिया दित्ता, पर इत्थे साडा इंसाफ नहीं हो रिहा। असीं बिजी आ, साडा कब्जा आ, सानूं हाई कोर्ट ने कब्जा दित्ता, अहीं नाला ने कब्जा दित्ता। जिहड़ा एमएलए बुनी उन्हें आख्या भी कब्जा किसे दा भी होवे, मैं कणक अमरजीत सिंह लखविंदर सिंह होणा नूं वढाउणी आ, मैं जिदा मर्जी वढावा इहदे विच मैनूं कोई रोक नहीं सकदा। इहदे दी किसान संघर्ष कमेटी दी प्रधान आ कि कहड़े हिसाब नाल पटवारी ने साडे नाल गदौरियां कीतियां ते कहड़े हिसाब नाल इहनां नाल कीतियां, नहीं ते मैं किसान संघर्ष कमेटी दी प्रधान आ। इस मुद्दे दा बहुत माड़ा असर होगा। असीं जहेबंदी नूं नाल लेके बड़ा वड्डा धरना ला के बोनी दे बूहे घड़ी विखे ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵਟਾਈ ਦੀ ਇਹ ਬੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਊਗਾ। ਕਣਕ ਫੋੜ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ। ਕਣਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਟਰ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਤਾ 107 ਕੁੰਜਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਮਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜੁੜਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਸ ਇੰਪਰੋਡਿਊਸ शनिवार को आए भूकंप के दौरान मौत का ग्रास बने लोगों की आत्मिक शांति और घायलों की
जल्द से जल्द ठीक होने के लिए आज अमृतसर के एक स्कूल की छात्राओं ने मोमबत्तियां जलाकर दुआ मांगी। इन छात्राओं और स्कूल के अध्यापकों का कहना है कि कुदरती आफत के कारण जो लोग मारे गए और जो लोग घायल हैं, उन्हें भगवान से प्रार्थना की है कि मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिले और घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब लोगों को फिर से जिंदगी जीने के लिए आत्मबल की जरूरत होगी। जो नेपाल में जो घटना हुई है भूकंप की, वहाँ पे जो लोग मारे गए और जो लोग घायल हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए और जो लोग घायल हो चुके हैं उनकी तंदुरुस्ती के लिए आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला है। उनकी प्रार्थना की है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो शहर फिर से बस जाए। मेरा नाम नीना डोगरा है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो भूकंप में जिन व्यक्तियों की जाने गई उन सब की आत्माओं की शांति के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे जिन जो इस भूकंप में जो है वो मारे गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामले दिनों ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो दशकों में प्रोस्टेट कैंसर भारत समेत एशिया मूल के पुरुषों में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इससे बचाव और जानकारी के महत्व को समझते हुए जलंधर के पीम्स हॉस्पिटल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला जलंधर के सिविल सर्जन के साथ ही देश भर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए अपने विचार साझे किए। इन विशेषज्ञों का मानना था कि अगर समय रहते प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण पहचान लिए जाएं तो इसका इलाज संभव है। लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के सेमिनार भी लगातार होने चाहिए। बड़ी खुशी की गल है कि अज पंजाब इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जलंधर दे विच एक बहुत ही वधिया जड़ी है प्रोस्टेट कैंसर ते सिंपोजियम होया, जिस दे विच प्रिंसिपल डॉक्टर कुलबीर सिंह और उन्होंने हेल्थ जरा सर्जरी और मेडिकल डिपार्टमेंट और रेजिडेंट डायरेक्टर कमलजीत सिंह ने इस ऑर्गेनाइज़ किया, जिस दे विच हिंदुस्तान तो केरला तो कर्नाटका तो दिल्ली PGI और सारे नॉर्थ इंडिया तो जोड़ा है डेलीगेट साइड है मन्ने परमन्ने डॉक्टर जिन्हों के अंकोलॉजिस्ट सर्जनस पैथोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट और काफ़ी डिग्निटरीज आई ने और उन्होंने सारे ने अपने जोड़े व्यूज प्रोस्टेट कैंसर के बारे शेयर किए, जोड़ा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है साड़ी बॉडी का और ये जी कॉन्फ्रेंस हैगी बहुत फायदेमंद होएगी डॉक्टर्स के वास्ते भी और स्टूडेंट्स के वास्ते भी और जो भी नवी इस रिसर्च हुई है या जो भी इन्होंने एक्सपर्ट्स के व्यूज़ है अपने एक्सपीरियंसिस है अपने जो उन्होंने नवे आइडियाज़ है उन्होंने शेयर करेंगे और शेयर करके जोड़ा जो ह्यूमन बीइंग की जो सफरिंग है उसको दूर करने के वास्ते लाइव अंदर होने। आज बड़ी खुशी हो रही है कि पिम्स वालों एक प्रोस्टेट कैंसर के उत्ते CMA ऑर्गेनाइज की गई है और साढ़े को फैकल्टी जी है सारे देश के विचों कर्नाटका केरला दिल्ली एम्स चंडीगढ़ हरियाणा UP उत्ते सारे पंजाब के मेडिकल कॉलेज कारपोरेट सैक्टर से प्राइवेट सैक्टर से डॉक्टर्स आए हैं। पहले केदारनाथ में आए सैलाब, फिर अमरनाथ के पास जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ और फिर अब पशुपतिनाथ नेपाल में आए भूकंप को कुछ लोग भगवान शंकर का प्रकोप मान रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए हवन यज्ञ करवा रहे हैं। आज इस बात को लेकर भगवान शंकर को खुश करने के लिए लुधियाना के नीलकंठ मंदिर में एक हवन यज्ञ करवाया गया। इस हवन यज्ञ का आयोजन करवाने वाले श्रद्धालुओं और पंडित का कहना है कि जब भी भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। उनके मुताबिक महादेव का क्रोध शांत करने के लिए ऐसे हवन और यज्ञ उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पंडित विजेंद्र सुरोत्री, ये महायज्ञ किया है हमने, ये पिछले दो दिन से चले हुए भूकंप को शांत करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये महायज्ञ किया गया है। इसमें रुद्राभिषेक भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया है। इसी कारण से दो दिन से चले हुए भूकंप से काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि ये भूकंप कहीं पर भी ना आए और कोई नुकसान ना हो, इसीलिए ये महायज्ञ हमने किया है। मेरा नाम रजिंदर धवन है जी, मैं ऑल इंडिया राष्ट्रवादी शिवसेना लुधियाना का प्रेजिडेंट हूँ।
हमने आज यहाँ पे एक यज्ञ किया है और हमें लग रहा है कि भोलेनाथ जी 3 साल से रुष्ट हैं हमारे से। जैसे कि पहले केदारनाथ में परले आ गई, फिर कश्मीर अमरनाथ में परले आई, अब नेपाल में और पूरे पशुपतिनाथ में जैसे झटके आए हैं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत सारे भूकंप के झटके आ रहे हैं और मौसम विभाग भी कह रहा है कि आने वाले समय में और भी कुछ ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो भोलेनाथ को बार बार रुद्राभिषेक और यज्ञ करके प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जिसके कारण धरती पे एक परले जैसी पोजीशन द्वारा और प्राणियों पर अपनी दया बनाए रखें। इसलिए ये यज्ञ हम बार बार कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे और आगे भी प्रेरणा करेंगे, पूरे भारत में सब मिलकर यज्ञ करें, भोलेनाथ को मनाएं ताकि कोई भी परले जैसी पोजीशन ना हो। श्री कृष्ण कन्या महाविद्यालय नामक मंडी अमृतसर में श्री विषाणु दास जी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें उनके द्वारा स्वयं प्रधान पद मुक्त होने के बाद कमेटी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर श्री वीरेंद्र वाधवा को शामिल किया गया। इस अवसर पर 2015 से 2016 का बजट भी पास किया गया। इस मौके पर कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा स्कूल के विकास के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का प्रण लिया गया। इस बैठक में प्रिंसिपल रजनी शर्मा, सुदर्शन वाधवा, वरिंदर अरोड़ा, अमित आदि उपस्थित थे। महाविद्यालय की आज एक मीटिंग मैनेजिंग कमेटी थी स्कूल दे विच, स्कूल प्रांगण दे विच हो रही है, जिन्दे विच साडे प्रधान जड़े ने उन्होंने रिजाइन किया तो उन्होंने थां ते नवे प्रधान नॉमीनेट किए ने श्री वरिंदर वधवा। वरिंदर वधवा CA ने अमृतसर दे विच उन्हों का बड़ा नाँ है। इस तो इलावा एक दूसरे मैंबर असी नवे उन्होंने ऐड किया है, उन्होंने नाँ है सुदर्शन वधवा। सुदर्शन वधवा जी जड़े ने वो काफ़ी देर उन्होंने दादा जी जड़े सी वो बड़ी देर तो इस इंस्टीट्यूशन के नाल जुड़े हुए सी। असी तो बिल्कुल हुण आए हैं और सा इस स्कूल ने श्री कृष्ण कन्या महाविद्यालय ने इन्हों पिछले 4-5 साल के बहुत तरक्की की है। लगभग जो पैसों के हिसाब न लीए तो 5-6 गुना, जो विद्यार्थियों के हिसाब न लाओ तो 5-6 गुना, और यह सारा साड़ी कारगुजारी है। आज एक मीटिंग उस मसले च रखी हुई है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से काठमांडू में लगाया जाएगा लंगर। गेहूं की खरीद और लिफ्टिंग ना होने पर पंजाब सरकार केंद्र सरकार से नहीं संतुष्ट, कहा बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने। नेपाल त्रासदी से बचकर वापस लौटा अमृतसर का एक परिवार। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।